नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में बादाम के विषय में कि दोस्तों अभी हमारा बादाम फूल आने लग गया है, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित या फूड संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये बादाम अभी फूल में आ गया है और हमने इसमें भी जो है दो बार धुलाई किए हैं और दो बार डाया डाला था। अभी इसमें पांच डाल के छोड़ दिया, सिंचाई भी नहीं किए हैं। जब पांच डाले थे तब सिंचाई किया था और जब देसी पांच डाले थे तब सिंचाई किया, बाकी हम कुछ किए नहीं। अब देख सकते हैं अब कुछ करेंगे भी नहीं। अभी अगर चाहो तो हो सकता है बस गुड़ाई वगैरह करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। पानी तो बिल्कुल देना नहीं, क्योंकि अगर पानी दे देंगे तो हमारा जो है ये फूल है फिर गिर जाएगा, फिर इसमें दाना नहीं रुकेगा, दाना एक भी नहीं बैठेगा। लेकिन इसके साथ में हमें क्या करना है, जैसे कि जो नया कल्ला इसमें अभी आएंगे, जैसे देख सकते हैं नीचे ये इस तरीके से जो भी कल्ला आएंगे इसको हम लोग निकाल देंगे। ये कल्ला इसमें नया कल्ला वहीं रोकेंगे हम, ये तो छोटा था, अभी बहुत बड़े बड़े कल्ला आए उसको हम निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास बादाम है तो उसमें बिल्कुल अभी दवाई हमें धुलाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम दवाई की धुलाई करते हैं, जैसे कि जो पत्ते इसमें देख रहे हैं पीले पत्ते भी हैं, इसमें हो सकता है मरा जाए भी, ठीक है। तो इसमें जो है कीड़े रहते हैं तो इसमें दवाई मार देंगे तो कीड़े गिर जाएंगे पत्ता आने से पहले। इसमें समय पत्ता आएंगे तो उससे पहले इसको हम दवाई मार के धुल देंगे ताकि आने वाले पत्ते में ना टच कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम धुलाई करेंगे और हमारे पास पौधा उसको दिखाते हैं उसमें किस तरह से कल्ला भी नया निकला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर भी वही सेम सिस्टम है, बढ़िया ज़बरदस्त फूल अभी आने लग गया है। ये इसमें भी दाना बैठेगा, जैसे कि देख सकते हैं ये भी दाना बैठना चालू हो गया है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, जैसे जैसे में देख सकते हैं कितना नया कल्ला आया है, इसको अभी हम निकाल देंगे। ये इस तरीके से हमें इसको भी सब साफ़ करना चाहिए। ये अभी हाथ से टूट जाएगा सारा, भी मुलायम है ये सारा भी निकल जाएगा, तो इसको हमें निकाल देना है। इसे दोस्तों निकालेंगे कि जो है इसमें जो है अभी जो विटामिन हमारी है पत्ते ऊपर जाना चाहिए, फल पे जाना चाहिए, ना कि हाँ पौधे पत्ते पे, ठीक है। इसे इसको हम भी साफ़ कर देंगे और इसको हम इसलिए कटिंग नहीं किए थे तो अभी नया इमेज जो आप देख सकते छोटे छोटे जो बारीक, इसको कटिंग इसलिए नहीं किए थे क्योंकि पौधा ऊपर ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हमें छोटे दाना यहाँ पर चाहिए था, इसलिए हमने जो है इस तरीके से आप इसको साफ़ कर दीजिए, इसलिए हमने इसको कटिंग नहीं किया था। बहुत ज़बरदस्त जिससे में दाना आया हुआ आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से अभी नया पौधा है ये, इसमें भी बढ़िया दाना आ रहा है। अब ये आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे, बस इतना आप दोस्त ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें धुलाई करना है, ठीक है। धुलाई करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आप सभी को फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।